काल की जय। निजानंद स्वामी की जय। कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। महाराजा छत्रसाल की जय। स्वामी श्री लालदास महाराज की जय। श्री बाबा दयाराम साये स्वामी सदा की जय। श्री महाराज ज्वरदास साये आपकी सदा की जय। श्री महाराज रामकुंदास साये आपकी सदा की जय। परम पूज्य देवी जी की जय। श्री वंदो सते गुरु चरण को करो सो
परम श्रद्धेय परम पूज्य बेबी जी,
एवं इस मंदिर की सेवा कर रही दोनों बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाड़ले एवं प्यारे सुंदर साथ जी आप सभी के हृदय में विराजमान श्री प्राणनाथ जी बायजू जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। लाडले सुंदर साहब जी, कल हम सुन रहे थे कि श्री जी साहिब जी किस प्रकार से सदगुरु जी को गुरु पुत्र बिहारी जी को बना के गादी पर बैठाया और स्वयं साष्टांग दंडवत प्रणाम करके और रात को 1 बजे उठ जाते हैं। 1 बजे उठ के फिर उनकी वाणी चर्चा करते हैं क्योंकि सारा सम्मान किसने दिया है? श्री जी साहिब जी ने। अब श्री जी साहिब जी उनसे चर्चा नहीं सुने तो सुंदर सा चर्चा कैसे सुने? तो श्री जी साहिब जी के मन में एक बात आई है कि मेरे सदगुरु जी देवचंद्र जी महाराज धाम चले हैं तो मुझे उनके नाम पे भंडारा करना चाहिए। इच्छा जागृत हो गई और अब सिद्धि साहिब जी सोचते हैं कि मैं जाके वजीर के पास फिर से नौकरी करूं। कहा था ना देवचंद्र जी, क्या कर तुम बोलो आ गए हो या फिर के आओगे? अब सतगुरु जी के मुखार में से बात निकल गई कि फिर के आओगे, तो अब फिर जाना पड़ा। इसलिए सुंदर साथ की सेवा के लिए श्री जी ने कहा है तो ये गोविंद बेरा, इसके अंदर जो भी गया वो प्रेती बन गया, कमाने गया तो कभी लौट के नहीं आता। पर श्री जी साहिब जी ने कहा इसके बिना मेला भी कैसे हो, बिना पैसों के मेला कैसे हो, धन दौलत की जरूरत पड़ती है बड़े बड़े भंडारे करने के लिए। तो कहते हैं कि अब 2 तरह का बोझ हो गया श्री जी के सिर पे, आया बोझ लौकिक का, अब राजा के पास नौकरी करने भी जाने। तो श्री जी साहिब जी रात को 1 बजे उठ जाते हैं, 1 बजे उठ के नहा धो के और फिर अपना चितवन जो सतगुरु देवचंद्र जी महाराज बता के गए थे स्वरूप सुंदर सनकूल, वो अपना चितवन अपना पाठ करके और उसके बाद गुरु पुत्र बिहारी जी के पास चले जाते हैं सुबह चर्चा सुनने के लिए। फिर चर्चा सुन के फिर राज दरबार के कार्य को कर रहे हैं। तो कहते चर्चा के कर्ण को अंतर पड़ा तब, अब थोड़ा सा समय कम बचता है, पहले सारा दिन क्या करते थे जैसे गुरु पुत्र बिहारी जी चर्चा कर लेते थे उसके बाद चर्चा की अर्चा करते थे श्री जी साहिब जी। तो श्री जी साहिब जी चर्चा की अर्चा करते थे तो उनको उसमें भी बड़ा आनंद आता था। लालदास जी महाराज लिख रहे हैं, उठे पिछली रात को करने को दीदार, बिहारी जी पास आए के सुने चर्चा परवरदिगार। पिछली रात को उड़ जाते हैं क्यों, किसके लिए? क्योंकि दुनिया का काम भी हमें शिक्षा मिलती है। हम सोचते हैं कि कमाना पड़े तब पता लगे कि गलती कैसे होती है, मंदिरों में कैसे जाया जाता है, इनको पैसा कमाना पड़े ना तब पता लगे। शिव जी ने तो सारे एग्जाम्पल हमारे सामने रखे हैं। आप कुछ कह देते हैं कि जॉब करनी पड़े ना तब पता लगे, खाली रहते हैं तो चर्चा ही करनी और क्या करनी, जॉब करनी पड़े पैसा कमाना पड़े जाना पड़े तब पता लगे कि कितना टाइम मिलता है, क्या कहाँ से टाइम लाए हम, सुबह से लेकर रात तक टाइम मिलता है? सुबह जॉब के लिए जाओ, शाम को भागे भागे आओ, आके घर का पूरा संभालो, बच्चों को संभालो, है आना जाना भी कहीं होता है। यहाँ श्री जी बता रहे हैं कि ये समय मेरे पास भी आया और मैंने समय निकालना, क्योंकि अपने प्रीतम के लिए जब समय निकालना होगा तो फिर किसी का समय नहीं लिया जाता, अपना समय देना पड़ेगा, वो ही लगेगा, वो ही सार्थक होगा। जब लगे ना कि मेरे पास घर से टाइम नहीं मिल रहा, सुबह से लेके शाम हो जाती है नहीं टाइम मिल रहा, तो फिर कौन सा टाइम निकाले, खुद का टाइम। श्री जी कहते हैं अब ये रात के टाइम पे तो ये तो किसी का टाइम नहीं है ना, राज दरबार का टाइम नहीं है रात के समय, 3 से 6 थोड़ी जाना है राज दरबार में, सुबह जाना है। तो अपनी चितवनी का, अपने ध्यान करने का और बिहारी जी से चर्चा सुनने का सारा समय निकल गया। कब निकल गया? जब अपनी निद्रा को त्याग दिया,
प्रार्थना जीवानी में कहते हैं सोई 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 ने सोते का करो जी आ विषम जिनी माने जी। ये जो संसार है इसके अंदर अगर हम 24 घंटे सोते रहेंगे नींद आती रहेगी आती रहेगी। कहते गुजराती में कहते हैं जेल जेल सोइए तेल तेम विष बाढ़ जाए जी। हम जितना ज्यादा सोते हैं विष उतना ज्यादा चढ़ता जाता है। हम सोचते हैं नींद पूरी हो रही है लेकिन पूरी नहीं हो रही होती, समय और लेना शुरू कर देती है। श्री जी साहेब जी ने उस नींद का त्याग कर दिया। किसको छोड़ दिया सबसे पहले? क्योंकि शिव जी ने वाणी में कहा नींद निगोड़ी निगल गई और गई जीव को खाए। ये तो नींद ऐसी है कि सो जाओ तो फिर, लेकिन वो समय निकालना जब किसी को नहीं पता लग रहा। और शिव जी साहेब जी फिर दरबार से शाम को 4:30 बजे आते हैं, आके सुंदर साथ को फिर चर्चा की अर्चा सुनाते हैं। शाम का समय और निकाल लेते हैं क्योंकि मैं राय दरबार से आऊंगा, दो दो काम कर रहे हैं। इधर से सुंदर साहब की प्रीति राजी महाराज के साथ जुड़ी भी रहे क्योंकि श्री जी को पता है मैं चर्चा नहीं सुनाऊंगा तो गुरु पुत्र बिहारी जी से तो ये चर्चा दिल से सुनते ही नहीं है। और बिहारी जी को भी पता था कि मुझसे कौन सी ये चर्चा सुनते हैं। बैठते हैं आके डरते हुए बैठते थे, डर लगता था। एक होता है डर के बैठना, एक होता है दिल से बैठना। वहां डरते हुए बैठते थे और बैठते थे आके, पर जो बिहारी जी चर्चा करते थे ना उसमें कोई रस नहीं आता था, कोई स्वाद नहीं आता था, कोई आनंद नहीं आता था सुंदर साथ को। और क्यों? क्योंकि श्री जी इंद्रावती जी की आत्म तो खुद तड़प रही है। जिसकी आत्म खुद की तड़पेगी ना, खुद जो रोएगी ना, तो वो जब दूसरा उससे सुनेगा उसको भी आनंद आएगा। क्योंकि चर्चा करने वाले के अंदर भी उतनी लगन हो, उतनी प्रीति हो, वो भी पाना चाहता हो और सुंदर साथ भी पाने चाहते हो तो दोनों मिल जाए। चर्चा वाणी तेरे कहिए आप रोवे बड़े रो रावे किरंतन के अंदर आया। चर्चा करने वाला भी जहाँ दर्द भरा प्रसंग आए तो कह ना सके क्योंकि दोनों के प्रीतम एक हो, कहने वाले के भी और सुनने वाले के। तो श्री जी साहेब जी जब चर्चा करते हैं तो कहते हैं स्वरूप चर्चा सुन के तब आवे दरबार, कार बार चलावे लौकिक होए के खबरदार। देखो पहले चर्चा सुन के आते हैं फिर कहाँ चले जाते हैं? दरबार, राज दरबार में। फिर उसके बाद सारा काम करके ये काम व्यवहार करते रहा 4 घड़ी पिछला दिन, तब वहां से उठ के आए बैठे जमात संयन। बोलिए श्री प्राणनाथ की जय। शाम का 4:30 बजे का समय हुआ और आके विराजमान हो गए। 4:30 बजे आके बैठते हैं, रोज बैठते हैं चर्चा सुनाने के लिए। क्योंकि सुंदर साहब जी परम धाम के अंदर अगर बात दूनी बात देखी जाए ना तो सुंदर साहब तो कह देते हैं कि कहते हैं कि मैं नहीं करती, वो रंजी करते हैं। आप खुद विचार करो परम धाम के अंदर 12,000 ब्रह्म सृष्टि सो रही है नींद में। अच्छा सोया हुआ सोए हुए को जगा सकता है? कौन जाग रहे हैं परम धाम में? 12,000 सो रही है नींद में, सो रही है। और नींद में सोया हुआ दूसरे को जगाना चाहे तो नहीं जगा सकता, तो कौन जगाएगा? जो जागरा होगा ना। तो राजी महाराज ने कहा था कि जागने का जो काम है वो मैं खुद चल के आऊंगा, मैं ही जगाऊंगा। तो फिर पूछा गया प्राणनाथ जी से कि कैसे जगाओगे? तो कहते दिल मोमिनों के आए के बैठेंगे हम, कहाँ बैठेंगे? मेरी ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म आत्माओं के हृदय में बैठ के 6 दिन के अंदर बाकी जागने का काम करेंगे। क्योंकि हम तो सो रहे हैं, जागृत वो है और जगा हुआ ही दूसरे को जगा सकता है। और ऐसे श्री जी साहेब जी शाम को 4:30 बजे आके बैठ जाते और सुंदर साहब को वो ही चर्चा की अर्चा रस से भर के सुनाते ही हृदय के अंदर इतना वैराग्य जगा हुआ है। क्योंकि देखो क्या क्या हालत हो चुकी है श्री जी की, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक तो सतगुरु चले गए, सतगुरु के जाने का दर्द है ना। जिसको पहचान हो, मैं सबकी बात नहीं कर रही, जिसको पहचान हो अपने सतगुरु की,
वो दर्द जब तक जीवन रहता है तब तक अंदर दर्द रहता है कि हाय मैं तो तब ना उठ सकी पी चले बखत जिन जो मैं तभी जागती तो क्यों जावे मेरा पीऊ। जागृत आत्मा जब हो जाती है ना तो उसको पता होता है कि ये मेरे सदगुरु आए थे संसार में निज खजाना लेंगे और मैं उनकी पहचान नहीं कर सकी वो चले गए। श्री जी के अंदर तो सदगुरु का देवचंद्र जी का इतना दर्द भरा हुआ था, इतना दर्द भरा हुआ था क्योंकि आप प्रकरण पढ़ो ना तो उसमें कहते हैं सज्जन मेरा चल गया अब रहूंगी विद किन वस्त्र गई जब हाथ से अब रोवना रात और दिन। सज्जन मेरा चल गया दर्द की बात बता रहे हैं। श्री जी कहते मेरे तो एक ही सज्जन थे पूरे ब्रह्मांड के अंदर। सज्जन कौन थे मेरे? सज्जनता करने वाले। सिरजार ग्रंथ में कहते हैं सज्जनता कहूं के सरकुली दोस्ती कहूं के प्यार। रची महाराज आप सज्जनता के स्वरूप हो, आप दोस्ती के स्वरूप हो, आप प्यार के स्वरूप हो तो वो सब श्री जी को किस में दिखता था? दर्द बता रहे हैं कि कितने दर्द है श्री जी के पास। सदगुरु चले गए कितना बड़ा दर्द हृदय में। इधर से माता पिता चले गए। गोवर्धन भाई जी के साथ जाके चर्चा सुनते थे, बड़ा भाई था वो भी चला गया। देखिए कितने अकेले पढ़ते जा रहे हैं क्योंकि पीतक पर हम थोड़ा सा चिंतन करें ना अकेले बैठ के तो बहुत दर्द है। फिर रहा कि फूल भाई जी थी। अब फूल भाई जी का भी त्याग करवा दिया किसने? आपने कल सुना कितना दर्द। शहर में पत्नी रह रही है, कोई दर्द की बात कोई दिल की बात ना उनकी सुन सकते हैं ना अपनी। तो हृदय के अंदर कितना दर्द। और वाणी में कहते हैं श्री जी साहिब जी कठिनाई तुम बैठो जाए माया माए। पढ़ना प्रकाश गुजराती को उसमें गुणों को फिराया है ना जिसने उस प्रकरण के अंदर आपके ना रोंगटे खड़े हो जाएंगे जिस जो भाई पर श्री जी बात बता रहे हैं आपको। हम सारा दिन राजी महाराज से मांगते हैं राजी महाराज कृपा करो कोई मुश्किल ना आए जीवन में कोई कठिनाई ना आए। श्री इंद्रावती जी की आत्मा ने धनी जी से मांगा एक धनी जी इस ब्रह्मांड के अंदर मेरे लिए कठिनाइयां पैदा कर दो। एक कठिनाई जहाँ माया के अंदर बैठ के अनंत प्रकार की कठिनाइयां खड़ी कर दे मैं पग रखू ना हर कदम कदम पे मेरे लिए कठिनाइयां हो कांटे कांटे बिछा दे ताकि मैं किसको पार कर दू। दुख से पीओ जी मिल सी सुखे न मिलिया कोई अपने पीओ का मिलना सो तो दुख ही से। दुख का निभाओ तो कोई ना मिलिया सुख का तो सब संसार। श्री महावत कह इन दुख को मोल न कियो जाए लाख बीर सिर दीजिए तो भी सर भरना आवे ताए। दुख तो मिलो प्यारो प्राण को आधार सो मैं छोड़ियो क्यों कर जाए सो मैं लियो है बुलाए। बुला रहे हैं दुखों को हम और उनमें देखो कितना अंतर। कैसे कैसे मिल जाए हमें तीन तीन बार कैसे दर्शन। हम कहते हैं हमें रांची के तीन तीन बार दर्शन हो जाए कैसे दर्शन हो जाए। हम मांगते क्या हम कहते क्या है रांची महाराज से। हम तो सारा दिन परमाणु की खुशियां मांगने में लगे पड़े हैं और वो क्या मांग रहे हैं धनी से कठिनाई तो बैठो माया मान। हाँ तो एक दुख आ जाए तो चल मैं सगर का पाठ कर चल ये कर वो कर क्योंकि दुख आ गया विनय के प्रकरण का पाठ कर दुख से पीछा छुड़ा दू ये क्या कह रहे। और अब कहते तहां चितुनी धाम की करत है सब कोए स्वरूप वस्त्र वर्णन होने लगा सोए
कहते बैठ के सब सुंदर सब कुछ चितवनी कराते हैं श्री जी साहिब जी, हृदय के अंदर वैराग्य जगह पड़ा है धनी को पाने में प्रीतम के लिए। और अब मैं साध इस्लाम का सबे करूं एक ठोर, उच्च रसोई करके सेवा करूं अति जोर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री जी साहिब जी की पहली चाहत देखो कैसी है। अब मैं साध इस्लाम का निजानंद संप्रदाय का जितना भी सुंदर साथ 313 आत्माएं आत्माओं को सतगुरु देवचंद्र जी महाराज जागृत करके गए हैं। शिव जी कहते हैं उन सबको इकट्ठा करूं और इकट्ठा करके उनको वाणी चर्चा सुनाऊं, और वाणी चर्चा सुनेंगे तभी ना अगर भोजन की व्यवस्था होगी। किसी को बुला ले एक महीने के लिए तो भोजन की व्यवस्था ही ना हो तो फिर क्या फायदा बुलाने का। और श्री जी कह रहे हैं कि सारे सुंदर साथ को मैं बाहर से बुला के वाणी चर्चा सुनाना चाहता हूँ, पर सबसे पहले उनके लिए पैसे की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँ, मैं भंडारा करूँ, सारे सुंदर साथ सुबह भी मंदिर में बैठे चर्चा सुने, दोपहर को भी शाम को भी, और अच्छी महाराज के रंग में मैं सबको रंग दूं। ऐसा विचार आया मन में कि मैं भंडारा करूँ। और फिर वो आए तो उन सब सुंदर साथ को देवचंद्र जी महाराज कहते थे कि इनकी मैं क्या सेवा करूं, ये तो धाम की संयन है, ये परम धाम से आत्माएं उतर के आई हैं। और श्री जी भी कह रही है सेवा करूं अति जोर। हमें भी शिक्षा मिलती है सुंदर साथ जी, ये सेवा का समय हमें बार बार मिलने वाला नहीं है। ये सेवा के लिए श्री जी ने स्वयं को कुर्बान कर दिया। इस सुंदर साथ की सेवा साधारण नहीं है, ये राज शर्मा जी की सेवा, सुंदर साथ की सेवा। श्री जी ने कहा ना कछु सेवा समान, जो दिल संकुल करे पहचान। अगर दिल से पहचान हो जाए और प्रसन्नता से सुंदर साथ की सेवा की जाए तो सेवा तो बीजो पदार्थ नहीं, सेवा के बराबर कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। तो श्री जी ऐसा सोच के कह रहे हैं कि मेरा दिल करता है मैं सारे सुंदर साथ को नए नए वस्त्र पहनाऊं, आभूषण पहनाऊं, क्योंकि धाम धनी ने इनके हाथ मेरे हाथ में पकड़ाए हैं। और मायावी ने बैठ के लाभ लेने, अब माया के अंदर बैठ के लाभ लेने का समय यही है। धाम में जाके पीछे एना होवे कब, परम धाम में हम कहेंगे कि हम सेवा करें सुंदर साहब की, तो राजी हंसेंगे कि जब तेरा घर खेल में था तब तो तुमने कोई भंडारा नहीं किया था। है यहाँ कहती मेरा दिल करता है मैं सेवा करूं, यहाँ तो ये सब इच्छा तो मनावे पर सखियों को, वहां तो कोई सेवा की जरूरत पड़ेगी नहीं, वहां तो जो मन में आया वो वस्तु आगे तैयार। और यहाँ जिसने सेवा कर ली वो परम धाम के अंदर धन्य धन्य होके उठेगी। तो श्री जी साहिब जी कहते इस वास्ते इस बात की लूट होए करनी, इसलिए ये जो बात है सेवा, सेवा तो जितना भी लूट के ले जाओ यहाँ से वो अपने साथ जाएगी, बाकी हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। जितना बैंक का बैलेंस है सब यही रह जाएगा, जितना हमने धन दौलत पैसा इकट्ठा किया वो हमारे साथ नहीं जाएगा, वो तो कहाँ रह जाएगा यहीं पे। पर जो हमने सेवा में राजी महाराज के भोग के लिए, राजी महाराज के वस्त्रों के लिए, सुंदर साथ के लिए भोग बनवा दिया या कोई सेवा कर दी तो कहते वो सेवा हमारे साथ जाएगी। इसलिए शिव जी कहते हैं इनसे प्रीति कीजिए सगाई जान धाम अपनी, इनसे प्रीति कीजिए। किनसे? सुंदर साल से। कौन सा संबंध समझ के? परम धाम का संबंध समझ के। श्री जी कहते मेरा दिल करता है मैं ऐसी परम धाम की आत्माओं की सेवा खेल के अंदर करूं। सो समय जाहिर में करू मनोरथ सब, लाभ ले माया मिने धाम में बातें हो में तब। देखो उनको पता है ये सारी बातें कहाँ होंगी भाई, अपने भी होंगी ना, पूरी तैयारी के साथ हो अपने धाम में बातें होंगी, पूरी तैयारी से जा रहे हैं हम परम धाम, बोलो ना। है तैयारी? शिव जी ने कहा यो तैयारी कीजियो, आप
आगू करनी है दौड़, सब अंग इष्ट लेके निकसो ब्रह्मांड फोड़, ऐसी तैयारी करके चलना है क्योंकि वहाँ तो दौड़ लगानी है। और दौड़ किससे लगेगी? प्रेम से। प्रेम किससे मिलेगा? सेवा से। सेवा धनी जी की करेंगे, धनी जी प्रेम देंगे, तो जब प्रेम भरपूर होगा तो परम धाम जाने में देरी नहीं लगेगी। तो श्री जी ने कहा क्योंकि धाम में बातें होंगे तब हर आत्म को पता है कि मैं मोई मिलावे में उठने वाली हूँ, और मोई मिलावे में उठूंगी तो सारी बातें कहाँ होंगी? हर किसी की बात राजी महाराज करेंगे कि इस आत्मा ने खेत में जाके सुंदर सास के ऊपर कितनी कुर्बानियां की, अपने सदगुरु के कितने भंडारे किए, अपने सदगुरु के लिए तन मन धन अर्पण किया, अपने धनी के लिए कुर्बानियां की। तो ये बातें जैसे खेत में होती है ना, ऐसे राजी श्यामा जी मूल मिलावे में बैठ के बात किया करेंगे। और जिसकी बात नाम लिया करेंगे पहले मूल मिलावेंगे, आज भाई आज तो सुंदर भाई जी पे कुछ विशेष बात करते हैं, सुंदर आई तो कितनी प्रसन्नचित होंगी कि करिए धनी 5 साल की आयु थी, शुरू हो खेली थी मैं, गई थी किसी के घर, देखा था जीव जवानी का कोई सुख या बचपन का कोई सुख, करिए ना बात मेरे आनंदित हो जाएंगे। कहेंगे इंद्रावती की बात करेंगे, इंद्रावती जी कहेंगे करो ना, करो धनी 12 साल की उम्र थी, 12 साल 4 दिन ही हुए थे, आपका संदेशा घर में जैसे ही आता गया आप बता दो, उसके बाद ये जीवन किससे कुर्बान किया, करो बात ना मूल मिला में। कहेंगे शकुंतल की बात करेंगे, शकुंतल कहेंगे करो ना 12 वर्ष तक इंतजार किया था आपका, रोटी नहीं थी खाने के लिए घर में, सैनिकों को देने के लिए कुछ नहीं था, कीजिए मेरी बात, किसका रहा देख रही थी। और जब हमारी बारी हम कह सकेंगे करो ना हमारी बात, फिर शर्म के मारे हमारे सर नहीं उठ सकेंगे किसके आगे। इस खेल के अंदर श्री जी कह रहे हैं जितने सुंदर सांप की पहचान कर सकते हो कर लो। एक कौशल्या भाई आएगी, कितनी बार भंडारा देती है वो, कितनी बार 11 उत्सव करेगी, 5,000 सुंदर सांप को 11 बार घर में बुलाएगी। हमें भी अपने अपने घरों में मंदिर में कभी ना कभी ये मौका ले ही लेना चाहिए कि आज मेरी तरफ से अखंड पाठ रखा जाए, फिर भोग डाला जाए। चलो घर में नहीं जगह कोई बात नहीं, मंदिर में तो जगह है, एक बार मेरी तरफ से भंडारा किया जाए, मैं दाल फुलकर खिलाऊं सुंदर सांप को, एक बार मेरे सागर का पाठ करा के मैं कुछ खिलाऊं सुंदर सांप को, तो ये सेवा कहाँ लिखी जाएगी। श्री जी कहते हैं भाई इनसे प्रीति कीजिए सगाई जान धाम अपनी, अपने बच्चों से तो सारी दुनिया प्यार करती है, इनको खिला लिया पिला लिया ये थोड़ी गिनती होगी परम धाम में कि कितना हमने इनकी पढ़ाई पे पैसा लगाया, सब काटा है वहां, ये नहीं आएगा कि इनकी पढ़ाई पे कितना पैसा लगाया, इनकी जॉब के लिए कितना लगाया, इनके पालन पोषण पे कितना लगाया, ये तो इसको तो काटा लगा के साइड पे रख दो ना, ये तो जाना ही है खाता ऊपर, खाता कौन सा ऊपर जाएगा, सुंदर शास्त्र ये बताओ इनके लिए क्या क्या किया था। तो श्री जी साहिब जी जागृत आत्मा, श्री जी साहिब जी ने सोचा कि भाई ये समय है, क्या कहते हैं, सो समय जाहिर में करूं मनोरथ सब, मैं जाहिर रूप में हर सुंदर साथ की मनोकामना को पूर्ण करूं, लाभ ले माया मिले धाम में बातें हो में तब मैं माया से पूरा लाभ लेके जाऊं। कभी कभी सुंदर साथ क्या करते हैं, आपकी बात नहीं कर रही क्योंकि मैं तो हर जगह जाती हूँ मित्र करने, लिफाफे में मठियां ऐसी ले आएंगे या मटरी ले आएंगे, ऐसा तेल उसमें डला होगा सूखा सूखी मटरी और मटियां वो ज्यादा आ जाती है, थोड़ी सी इतनी सारी आ जाती है, बड़ा लिफाफा ले आएंगे राज्य के चरणों में रखेंगे, सुंदर साहब को प्रसाद देंगे ना, सुंदर साहब कहेंगे अरे जो तुम नहीं खा सकते वो राज्य के लिए लेके आए हो, है वो सुंदर साहब के लिए, राजी महाराज ने कहा ये सुंदर साहब के तरनी मैंने धारण किए हैं, तो तुम सुंदर साहब का भाव लेके ऐसी मठियां लेके
आए हो, ऐसी मटरी लेके आए हो जो सुंदर साथ मुंह में रखते हुए, ये सुंदर साथ नहीं है, ये साक्षात राजी है, इनके अंदर कोई नहीं बैठा। ये वजूद को मत देखो, जिन देखा मेरे वजूद को सो रहा बीच नासूत, जिन देखा मेरी रूह को सो पहुंचा पक्का बीच लाहूत। जो मेरे वजूद को देखेंगे सृजन का वो यही रह जाएंगे, और जो मेरी रूह को देखेंगे वो परमधाम में पहुंच जाएंगे। ये पहचान करा रहे हैं सुंदर साथ की, कि ये सुंदर साथ किसने भेजे हैं, मैं भेजूंगा तमाम। राजी महाराज ने श्री कृष्ण जी ने कहा था कि चर्चा में सोई आवत जाके धनिये पकड़े हाथ। अगर हमने सुंदर साथ की पहचान नहीं करी तो क्या किया खेल में आके, सदगुरु की पहचान नहीं की, सुंदर साथ की पहचान नहीं की तो परम धाम के अंदर तो भाई ये दो ही चीजें दिखाई देंगी कि कितना पहचाना था किसको, सुंदर साथ को, और कितनी पहचान की थी। राजी महाराज कहेंगे मेरी कितनी पहचान की थी, और श्रीजी साहिब जी ने कहा ये अजमाई साथ को करत हक सुभान, मोमिन की माया मिले बहुत है पहचान। ये अजमाइश साथ को आज राजी महाराज ने अजमाइश करने के लिए, परीक्षा लेने के लिए खेल में भेजा है, अजमा रहे हैं, क्योंकि मेला हो सी जब मोमिनो तब देख सी सब कोए, और कोई ना कर सके जो मोमिनों से होए। मेला हो सी जब मोमिनो, जब मूल मिलावे के अंदर एकत्रित होगे, इकट्ठे बैठोगे 12,000 देखेंगी। मेला हो सी जब मोमिनो तब देख सी सब कोए, और कोई ना कर सके जो मोमिनों से होए। वो कोई ना करके आ सकता है जो ब्रह्म सृष्टि खेल में करके आएगी। सब जागृत आत्माएं हैं हम। हरजी महाराज ने तो कहा आखर मोमिन होशी पड़े आकर, श्री जी ने तो यहाँ तक कह दिया मेरी आखिरी ब्रह्म सृष्टि इतनी अकलमंद होगी, इतनी सी बात उनको बता दोगे, बांस जैसी बुद्धि होगी उनके अंदर, बांस को थोड़ी सी चोट मारो पूरा बांस दो फाड़ हो जाता है। श्री जी ने कहा मोमिनों की बुद्धि बांस जैसी होगी, इशारा मात्र करोगे वो खुद को कुर्बान कर देंगे। किसके ऊपर, हरि जी के ऊपर। कुर्बानी को नाम सुन के मोमिन उत्सव, कुर्बानी का नाम भी पता लग जाए तो मोमिनों के दिल में तो खुशी समाती नहीं। और श्री जी ने कहा जिन शुद्ध सेवा की नहीं ना कछु समझे बात, सब काहे को गिनावे आप साथ में, जिन शुद्ध न सुपर साक्षा, जिन शुद्ध सेवा की नहीं खेल में उतर के आ गए, राजेश राज श्यामा जी की और सुंदर साहब की सेवा की शुद्धि नहीं है वो अपने आप को ब्रह्म सृष्टि क्यों कहता है। श्री जी कहते मैंने नाटा लगा लिया, वो ब्रह्म सृष्टि नहीं है, नहीं है, नहीं है। जिन शुद्ध सेवा की नहीं, जिसको ये नहीं पता सेवा कैसे की जाती है सुंदर साहब की, ना कछु समझे बात, और इतना समझाने के बाद भी श्री जी कहते ना समझे तो काहे को गिनावे आप साथ में, वो अपनी गिनती करता क्यों है 12,000 में। जिन शुद्ध ना सुपर साक्षात, जिसको या तो ये भी पता नहीं है ये सपना है एक मिनट में खत्म होने वाला है, अखंड तो मेरा परम धाम है हमेशा के लिए, ये बात वहां होगी हमेशा के लिए, तब रोज रोज बात होगी, पर फिर हमारे मन में आएगा एक बार खेल में और भेज दो, अब की बार जाऊंगी ना तो खेल में जाके कुछ नहीं करूंगी, आपकी सेवा करूंगी, आपकी पहचान करूंगी, सुंदर साथ में तन मन धन बार दूंगी, एक बार मौका और दे दो। तो कहते फिर ये मौका नहीं मिलेगा, फिर दोबारा नहीं मिलेगा। तो श्री जी साहिब जी क्या सोच के कर रहे हैं सेवा, कि ये तो अजमा रहे हैं राजी महाराज हमको, हम ब्रह्म सृष्टि हैं कि नहीं, क्योंकि मोमिनों की तो पहचान ही सेवा से होती है, वो तो अपने आप को कुर्बान कर देते हैं। तो कहते हैं ऐसा जान के दिल में सेवा लगे करने, रखा अपने पास ही जान धाम सगाई अपने, ऐसा जान के श्री जी साहिब जी सेवा करने लगे हैं, और कानजी भाई को अपने पास रख लिया। कानजी भाई से कहा कानजी भाई सुंदर साहब की सेवा में दिल बड़ा होना चाहिए, अगर सतगुरु घर पे आए सुंदर साथ घर पे आए और तब अगर दिल बड़ा नहीं हुआ तो ये पश्चाताप परम धाम तक जाएगा।
हाय मैंने क्या किया, हाय ऐसे मोले महबूब सो कैसे ले ले कटारी पेट गाड़ी। मूल मिलावे की बात कर रहे हैं कि मूल मिलावे में क्या सोचोगे बैठ के, सनंत ग्रंथ की चौपाई है, ले ले कटारी पेट गाड़ी, हाय हाय ऐसे मौले महबूब सो हम हुए नहीं सन्मुख। मूल मिलावे में लगेगा कोई तलवार दे दे पेट में मार लू 10 बार, हाय हाय ये प्रीतम आए, हाय ये सुंदर साथ आए, ये प्राणनाथ आए थे हमें जगाने के लिए और हम इनके सन्मुख ना हो सके, हमें इनकी पहचान ना कर सके, पीछे पछतावा क्या करे जब गया समया चल, ऐसे क्यों भूले अंकुरी जाके सांचे घर नहीं चल। श्री जी ने बाद में पश्चाताप क्या करोगे, कुछ भी नहीं होगा, इसलिए लगे पड़े हैं 1 बजे उठ के, इसलिए कि परमधाम का चितवन भी ना छूटे, सुंदर साहब की सेवा करता हूँ हमारी चर्चा सुना सुना के वो भी ना छूटे, क्योंकि सबसे बड़ी सेवा शिव जी ने कहा ब्रह्म ज्ञान दान सबसे बड़ी सेवा है, इससे बड़ी सेवा कोई नहीं है। भूली राह बताओ सी ताहे होसी बड़ो स्वभाव, जो भूली हुई आत्म को परमधाम का रास्ता दिखाएगी, राजश्यामा जी के नजदीक लेके जाएगी, उसको तो बहुत बड़ा लाभ परमधाम के अंदर मिलने वाला है। तो श्री जी साहेब जी ने कहा कि ये समय तो फिर आएगा नहीं, ऐसा जान के दिल में सेवा लगे करने, रखा अपने पास ही जान धाम सगाई अपने। और श्री जी साहेब जी ने कांजी भाई से क्या कहा चौपाई में सुनिए, कछु न पीछा देखियो करते खर्च मिले साथ, मैं सब सौंपया तुझे दिया मुद्दा तेरे हाथ, कछु न पीछा देखियो। हाँ जी क्या कह रहे हैं, सुंदर साथ की सेवा और सदगुरु की सेवा करनी हो जब, तो शिव जी कहते कछु ना पीछा देखियो, बाकी मेरे पास कितना है, कितना अगर इनको दे दूं सदगुरु जी को तो बाकी कितना है। प्रार्थना जी कहते पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, जब कौन आए घर पे, जब सदगुरु आए, जब सुंदर साथ घर में आए, कोई भंडारा करने का मौका मिले तो दिल में खुशियां बढ़ती जाएं कि नहीं जी दाल बनाओ तो एक सब्जी भी बनाओ साथ, नहीं एक खीर भी बना दो, एक कौन सा हमें दिन रोज रोज मिलने वाला है, नहीं जी हमारी तरफ से भंडारा हो रहा है ना तो दिल खोल के करो, सब अच्छा अच्छा बनाना, बढ़िया बढ़िया तेल, घटिया तेल नहीं डालना, कोई चीज घटिया मत डालना, बढ़िया से बढ़िया, क्योंकि ये कौन है कहाँ से आए हैं, ये दुनिया को नहीं पहचानना, उनको तो पता है कि ये सुंदर साथ कौन है। तो कहते बिहारी जी को भूषण रुच के दिए बनाए, वस्त्र करो ऊंचे प्रेम प्रेत दिल्याए, और गुरु पुत्र बिहारी जी को वस्त्र भी कौन से बनवा के दिए, जो राजा साहब कपड़ा पहनते थे, वो राजा कितना महंगा कपड़ा पहनता होगा, इसीलिए तो ये चुगली करती किसी ने जाके कपड़ा मंगाया उससे, अभी आएगी चौपाई है। तो बिहारी जी मन में आया कि बिहारी जी वस्त्र कैसे पहने, हमारे राजा साहब पहनते वो कपड़ा बहुत बढ़िया, और ये मेरे सदगुरु हैं, मैं सदगुरु को कैसे वस्त्र पहनाऊं जैसे राजा महाराजा पहनते हैं, वो कपड़ा वहीं से मंगवा लिया और वहां से मंगवा के दे दिया, और कहते नाग जी के लिए हथियार बनवा दिए, और सब सुंदर साथ को बाहर से बुला लिया, सब साथ के वास्ते किया बुलावने का इलाज, इनको इकट्ठे करके उत्सव कीजिए आज, सबको इकट्ठा करके मैं क्या करूं मेला करूं, किसके लिए मेला, मेरे सदगुरु का मेला करूं है। कहते मैदा घ्यू खांड इकट्ठे करो तुम, सामा लगे जोड़ने धरे अपने घर में, सामा जमा होने लगी कपड़ा मंगाया उद थे, अंदर शिकायत क्यों गई थी, क्यों गई थी, क्योंकि राज दरबार से कपड़ा आया था और वो किसी ने बिहारी जी को पहना हुआ सिलवा के दे दिया बिहारी जी को, राजा जैसे कपड़े पहना दिए बिहारी जी को, कहते कपड़ा मंगवाया, देखो लिखा कपड़ा मंगाया उत से मतलब राय दरबार से। इन बात की चुगली वजीर आगे गई, उनने कछु न विचारिया बात दिल में लई, ये चुगली चली गई किसके आगे, वजीर के आगे, उसने कुछ नहीं सोचा, एक बार भी नहीं पूछा। तो कहते ये तो कारण कारण है धनी को करने, जिन वास्ते माया का हुआ धक्का इन समय, कहते ये तो कारण कारण की बात है, कहते हैं
जैसे चुगली गई उसी समय वजीर ने पुलिस वाले भेज दिए और श्री जी साहेब जी के पास जब वो आते हैं तो बात क्या थी, गुरु पुत्र बिहारी जी गादी पर बैठे हैं और श्री जी साहेब जी जितना कमा के लाते हैं वो पैसे लेके आते हैं और उन पैसों से आटा दाल चावल घी मैदा ये सब इकट्ठा करके ना सामान एक गोदाम ले रखे हैं श्री जी ने, उस गोदाम में सामान रखते जा रहे हैं। जैसे जैसे पैसा मिलता है आज घी ले आए, आज मैदा ले आए, आज चावल ले आए, आज गेहूं ले आए, क्योंकि बड़ा भंडारा करना है तो रखते जा रहे हैं। एक चाबी ले जाते हैं बिहारी जी को और एक चाबी खुद ले जाते हैं। एक नंदराम मोदी था वो श्री जी साहेब जी के साथ दुश्मनी रखता था क्योंकि जो भी कोई टैक्स अदा नहीं करता था तो श्री जी साहेब जी ईमानदारी से राजा का काम करते थे, टैक्स अदा करवाते थे। उसने एक बार टैक्स अदा नहीं किया था तो उसने श्री जी ने उसकी खूब अच्छी खिंचाई करी थी। तो वो नंदराम मोदी जो है ना उसको भी उन्होंने साथ में देख लिया, भाई इसकी दुश्मनी है बिहारी जी ने कहा, नंदराम मोदी को बता दिया। अब इधर क्या होता है, ये गोदाम के अंदर सारा सामान रखा पड़ा है और रात के समय गुरुपुत्र बिहारी जी ने चुगली करवा दी राज दरबार में कि आपके राज दरबार का माल तो सारा हमारे गोदाम में आ रहा है और नंदराम मोदी को कह दिया कि ये सारा का सारा सील करवा दे। उसने पूरे माल के ऊपर गवर्नमेंट की सील कर दी, सारी सील रख दी। अब आए वो जो भेजे थे वजीर ने पुलिस वाले, वो आके कहते हैं कि भाई हमें पता लगा है कि राज दरबार का माल आपने चोरी किया है। श्री जी साहेब जी कहते हैं कि ऐसा कैसे, समझ ही नहीं आया। कहते चलिए आप, कहते गोदाम के पास गए श्री जी साहेब जी, साथ में जाते हैं सांगलिया जी, साथ में उद्धव जी, तीनों भाइयों को लेके आते हैं। श्री जी साहेब जी ने कहा कि आप देख लो मेरी सारी कमाई का माल अंदर रखा है। कहते हैं जैसे गोदाम का ताला खोला सारे माल के ऊपर सील की पड़ी थी। अब वो पूछते हैं, वजीर भी पूछता है कि बताओ महाराज ये सब क्या है। श्री जी साहेब जी ने नजरे नीचे झुका ली और धनी को देखा कि वाह धनी, एक दुख जाता है और दूसरा कितनी बड़ी मेहर है ना आपकी धनी मुझ पर। कभी कर फूल भाई जी का हमने सुना और आज वो कहता है दीवान कहता है बोलो ना, सांगलिया भाई कहते हैं बोलो तो सही, महाराज इनको बोल के कहो तो सही कि मैंने सारा पैसा कमा के लिए इकट्ठा किया है। सिद्धि साहब जी कहते किसके आगे बोलो, जो ये लीला कर रहा है उसको पता है और इनको सफाई देने का कोई फायदा ही नहीं, वो तो जानता है। तो उस समय में तीनों भाइयों को अंदर कर दिया। कहते हैं तब वजीर ने लेके बैठाए अपने घर, सामाली सरकार ने हुआ जोरा इनको पर सारा सामान राजदरबार में चला गया और उस वजीर ने श्री जी साहेब जी को अंदर कर दिया हौसे के अंदर। जैसे ही हौसे के अंदर करते हैं ना किसी और से बात तो श्री जी नहीं करते, लेकिन सतगुरु देवचंद्र जी से बहुत लड़ाई की कि मुझे एक बात बताओ मैंने गलत क्या किया था, मेरी बात का जवाब दो मेरे सतगुरु जी, मैं तो भंडारा करना चाहता था ना, मैं तो सारे सुंदर साथ को एकत्रित करना चाहता था ना, आपके नाम की सेवा करना चाहता था। तो कहते हैं कि बैठे प्रबोध मुनि पुरी में चाहे हंसा लिया लिखा एक ता विचार करने लगे थे इस्लाम काम परतित। कहते हंसे के अंदर बैठे कहते हैं मैं तो निजानंद संप्रदाय की सेवा कर रहा था, क्यों ऐसा हम पर पहुंचाया सखत बखत, हम तो बंदगी में आते क्यों ऐसा किया इत। कहते हैं कि मैं तो बंदगी में लगा हुआ था, मैं सेवा कर रहा था, इतना सखत समय मेरे पर क्यों आया, थी मेरे मन में उम्मीद ले जमा करूं निधान और कछुए वास्ते कछु न लिया काम। कहते मैंने राजा की नौकरी भी
कि तो किसने की कि सारी जमात को एक बार एकत्रित कर लूं और सब सुंदर साथ को प्रणाम की वाणी चर्चा सुना के उनको जागृत करूं, उनको पहचान कराऊं। और तो मेरे मन में कोई स्वार्थ नहीं था, मैं तो कोई बड़ा नहीं बनना चाहता था, मैं तो कोई गाली नहीं लेना चाहता था। मान प्रतिष्ठा बढ़ाई शोहरत ये तो मेरे मन में रंजक मात्र भी नहीं थी कि मुझे प्रतिष्ठा मिलेगी। ये तो बाल भाई को लग रहा था ना कि अगर ये भंडारा देगा और सुंदर साहब तो अक्सर आभूषण पहनाएगा और फिर चर्चा भी सुनाएगा तो फिर सुंदर साहब बिहारी जी आपको थोड़ी पूछेंगे। लेकिन सिद्धजी साहेब जी कहते हैं मेरे मन में तो कुछ भी नहीं था। रास के पहले प्रकरण में कहते हैं जानो लाभ माया नो लेसु निद्रा ने वासो देसु धनी ने चरणे रेसु माया कैसे ते सर्वे सहसु। मैंने तो सोचा जानू लाभ माया नो लेसु, मैंने सोचा माया के अंदर लाभ लेके जाऊंगी, निद्रा में वासो देसु नींद को छोड़ दूंगी, नींद का त्याग कर दूंगी, सुंदर साथ पर मैं कुर्बान हो जाऊंगी। माया कैसे थे सर्वे सहसु, ये बिहारी जी, ये श्याम जी, ये बाल भाई जो कुछ भी कहेंगे मैं सब सहन करूंगी। धनी ने चरणे रहसु माया कैसे थे सर्वे सहसु धनी ने चरणे रहसु माया जो कुछ भी कहेगी मैं सहन करूंगी पर मैं धनी के चरण नहीं छोड़ूंगी। पर एक प्रीतम आज मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरे तो मन में क्या थी, मेरे मन में तो एक ही उम्मीद थी कि सारे सुंदर साथ को जागृत कर दूं, सारे सुंदर साथ को आपके चरणों में लगा दूं। ऐसा विचार कर ही रहे थे, सदगुरु देवचंद्र जी से बातें कर ही रहे थे। 13 महीने रहते हैं अवस्थे के अंदर, 1714 से लेके 15 तक, एक वर्ष एक साल पूरा कहां रहे अवस्थे के अंदर। कहते हैं सांवलिया भाई उद्धव जी पहले बहुत लड़ाई करते लड़ते, भोजन आता था श्री जी साहिब जी का हाउसे के अंदर तो दोनों भाई ले लेते पर श्री जी अपने थाली को साइड पे कर देते क्योंकि विरहा काम का था कि मुझे तो रहना ही नहीं, मुझे तो जाना है। कहाँ जाने ये थोड़ी सोचा था मुझे दर्शन हो जाएंगे, उन्होंने सोचा अब तो मेरे प्राण जाएंगे ना, अब तो मुझे परम धाम जाना है ना। उस प्रकरण में कहते हैं मैं तो अपना दे रही तुम्हें ही राख्या जी, बल दे आप खड़ी करी कछु कारज कारण पीर संबंद मूल को, मैं तो पापल छोड़ो न जाए सन्मंद मूल को, मैं तो पाँव पल छोड़ो न। एक वर्ष सुंदर साजे जब होने को आ गया ना, ध्यान से सुनिए, श्री जी के प्राण निकल गए हफ्ता के अंदर। सावलिया उद्धव देख रहे थे ये, 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 ये क्या हो गया, अंदर से प्राण जब निकले तो देवचंद्र जी दौड़ के आए, अरे मेरी हाथ तो गए। प्रमाण के साथ सुंदर साहब जी जब आंसू की आग की और श्वास भी छोड़े हो सन, जब ये आखिरी आ निकल गई, जो आखिरी सांस थी वो निकल गई और श्वास भी छोड़े हो संग, जब आंसू की आग की और श्वास भी छोड़े हो संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो अपनो संबंध मूल को, मैं तो पाऊं पल छोड़ो न जाए संबंध मूल को, मैं तो पाऊं पल छोड़ो न जाए अब छल बल मोह क्या करे मोह अर्थ दियो उड़ाए संबंध मूल को, मैं तो पाऊं पल छोड़ो।
यानी आपके सरबंध को तो मैं एक पल का चौथा हिस्सा है ना, इतनी देर में आपके सरबंध को नहीं भूल सकती। धनी आप कब आए जब आहा चूकी अंग की, जब मेरी आखिरी सांस जिसको पंजाबी में कहते हैं हलक सूख लिया, निकल गए प्राण। श्री जी के जब प्राण निकल गए शरीर में से, तब सतगुरु देव सदर जी महाराज दौड़े चले आए। जब आहा सूखी अंग की और श्वास भी छोड़ियो स्वर्ग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोए अपनो अंग। आपने तब मेरी ऊपर से पर्दा हटाया, तब मेरी आत्मा को वापिस प्रवेश कराया अंदर। कहाँ पे कहते कौन आ गए, ये विचार करते श्री देवचंद्र जी बैठे दिल पर, ठोर एकांत करके दिल हुआ विचार पर। बोलिए श्री प्राणनाथ, ऐसा विचार कर ही रहे थे तो सतगुरु देवचंद्र जी महाराज साक्षात प्रकट हो गए। कहाँ पे, उस हफ्ते के अंदर अनंत लाइट अनंत प्रकाश होने लगा, क्योंकि सबसे पहले सदगुरु देवचंद्र जी ने दर्शन दिए और उसके बाद श्यामा जी महारानी छनछन करती पायल के द्वारा अपने वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होके और साक्षात हमसा के अंदर आई, तो काल कोठड़ी के अंदर मानो करोड़ों सूर्य का प्रकाश एकदम लाइटें लाइटें हो गई, प्रकाश ही प्रकाश हो गया। और श्रीजी साहेब जी देखने लगे कि अरे ये तो मेरी श्यामा जी महारानी आ गई। कहाँ पे, साक्षात हमसा के अंदर। श्री जी ने मेले दी तैयारी जदों की थी, श्री जी ने मेले दी तैयारी जदों की, पिया जी ने हुक्म ने मंजूर कहियो मंजूर।
भी सुनेंगे। ए पानी मोहिना दे चाले विच होवेगी, ए पानी मोहिना दे चाले विच होवेगी, हरे के जी रूहानी सुन सुन रोवेगी, हरे के जी रूहानी सुन सुन रोवेगी, ए पानी मोहिना दे चाले विच होवेगी, ए पानी मोहिना दे चाले विच होवेगी, हरे के जी रूहानी सुन सुन रोवेगी, हरे के जी रूहानी सुन सुन रोवेगी, मिला में चाहूँ यार नीचे घर पावेगी, 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 मिले नो अर्ज बनाती सदगुरु धनेश्वरी, क्योंकि श्री जी वाणी में कहते हैं आठों पहर मिरहनी श्वास लिया हुक हुक पत्थर काले रिनों ने सौंपी हुए टूक टूक। अष्ट पहर 64 घड़ी जब श्री इंद्रावती जी ने उस हफ्ते के अंदर रुदन किया पत्थर काले ढीक होते, कहते काला पत्थर थे सांगलिया भाई, वो पास में बैठे थे सोपी हुए टूक टूक। श्री इंद्रावती जी को इस प्रकार से विरह के अंदर तड़पते हुए देख के उनका हृदय भी पिघल गया कि ये तो धाम की सखी है, हम तो भोजन भी ले लेते हैं, खा भी लेते हैं, पी भी लेते हैं, लेकिन इसको ना तो बाहर से अंधा धनी के बिना और ना यहाँ है, ऐसा क्यों किया है जी महाराज ने? कहते ऐसा इसलिए किया, श्री राजी महाराज कहते हैं ए मेरी भोली श्री इंद्रावती, कभी पति भीड़ में मिलने आता है क्या? पति के साथ अगर पति का प्यार पाना चाहती है, उससे मिलना चाहती है, मैं तो तेरे से मिलने की तैयारियां कर रहा हूँ तेरे पास आने की, और तू और भीड़ इकट्ठी कर रही है और मेले लगा रही है, मेरा समय हो चुका था तुझसे मिलने का, लेकिन तू किसकी तैयारी करने लग गई? मेले की। हाँ, अरे मैं मिलना चाहता हूँ भौरी तू ना भूल श्री इंद्रावती, ऐसा पीऊ का समय पाए, तू ले धनी अपना और जिन दिखाए। श्री राज जी बोले अरे बोले श्री इंद्रावती, भोली तू ना भूल श्री इंद्रावती, तू क्यों भूल रही है, ऐसा पीऊ का समय पाए। अरे तू गरी मुझे हौसले में बैठा दिया, हौसले में बैठा दिया तो क्या करूं, तुझसे मिलना चाहता हूँ, अब तेरे को बाहर से भी लोगों ने घेर रखा है, इतने लोग कम थे 313, अब बाहर से और लोगों को बुला रही है, सारे आ जाओ सब आ जाओ। अरे मैं तो एकांत चाहत कर रहा था कि एकांत में मिले, कौन? मैं तुझसे मिलना चाहता था है? पर पति कब मिलता है? अपने कमरे में हम सबको बैठा ले तो और कहीं पति का प्यार भी मिले, और कमरे में नर्दे भी बैठे हैं, देवर भी बैठे हैं, सास भी बैठे हैं, ससुर भी बैठे हैं, और पति प्यार भी करे, तो ये असंभव है। श्री जी साईं जी कहते हैं अरे मेरे को पता ही नहीं था, मेरा पति मिलना चाहता था मुझसे, इसलिए मुझे अकेली को ले गए, कहा ले गए हौसा में ले गए अकेली को। भोली तू ना भूल श्री इंद्रावती, ऐसा पीऊ का समय पाए। अरे भोली इंद्रावती खुद को कहती है, अरे भोली इंद्रावती इतना सुंदर वंशज है, भूल मत ऐसा पीऊ का समय पाए, तू ले धनी अपना और मुझे दिखाए, पहले तो अपने प्रीतम का दर्शन कर ले जी भर भर के, कब से रोने लगी थी मेरे अवगुण
ज्यादा है, मेरे अवगुण निकाल दो। देवचंद्र जी ने कहा मोए गद्दी से उठा दो, आप बैठ जाओ, तुमको दर्शन हो जाएगा। कब से तड़प रही थी और आज वक्त आया है, मेरे प्रीतम मुझसे मिलने आए हैं। तू ले धनी अपना ओरिजिन दिखाए, तेरा प्रीतम तुझसे मिलने आया है हमसे में, तू मिल प्रीतम से। तो यूं धनी कब मिल सिंह, पहचान के लिए सुहाग, ऐसा एकांत कब पाएगी, अब है तेरा लाल। तो यूं धनी कब मिल सिंह, ऐसा वक्त तेरे पास दोबारा नहीं आने वाला, तेरे पास तो भीड़ लगने वाली है। 5,000, 10,000 सुंदर साल तेरे इर्द गिर्द ला करेंगे, पर आज ही वक्त है तेरा, मेरे पास अकेली बैठी है, जी भर के मुझसे बात कर, जी भर के मेरा दीदार कर। ऐसा एकांत कब पावेगी, अब है तेरा लाड, तेरा लाड जितना बनता है उतना ले, कर मेरा दर्शन, कर मीठी बातें, जितनी बातें करना चाहती है बातें कर, दर्शन करना चाहती है दर्शन कर, क्योंकि मैं किसके लिए आया हूँ, तेरे लिए। बहुत वक्त भला पाया, धनी दियो तुझे आप, बड़ा सुंदर वक्त मिला है इंद्रावती, और ये वक्त धनी ने चुन के दिया तेरे को। बहुत वक्त भला पाया, धनी दियो तुझे आप, मेहर करी महबूब ने, करके संग मिला, ये तो कृपा की है महबूब ने मिलने के लिए। आँखा खोल के झापिए, जी चुप के ऐसी बेर, रात दिन तेरे राज का सूत काट तो सवा शेर। आँख खोल के ढकने की भी देरी मत करना, अब लगातार देखती रहे, परख भी मत झपक। क्या कह रहे हैं, क्या छपाई बोली अभी आपने, इधर से चौपाई, पहला अक्षर क्या था चौपाई का, आँखा खोल के जीर चुप के एकी बेर, इतनी देर भी वक्त गवाना मत, आंखें खोलना और ढकना मतलब परख झपकना, परख झपकने जितना भी समय मत गवा, आंखा खोल के झांक लिए, जीर चुप के एकी बेर, रात दिन तेरे राज का सूत काट तो सवा शेर। शेर तो अपनी जागने के लिए होता है, और सुंदर साथ को जगाने के लिए सवा शेर चाहिए। नेह कर तो नैनों से चश्मे से कटाए, मी सूत ले उजला आओ आंखें कर पाए, नेह कर तो नैनों से प्यार कर प्रीतम के साथ, चश्मे से कटाए फिर प्यार करके ना चश्मा लगा के काट, चश्मा लगा के मोटा नहीं काटता जाएगा, कहने का मतलब सुरता को जोड़ ले श्री राजी के चरण कमलों में तो बारीक सूत काटा जाएगा, अगर सुरता इधर उधर जाती है तो वो मोटा सूत होता है। एक बार बोला कि जनाब श्री कृष्ण, मोटा सूत मोल तो उसका भी होगा, शिव जी ने कह दिया मोटा या बारीक दिन भी पाया मोल, पर जी कछू ने काट दिया दिन का हो सूत, मोटा या बारीक काटे को ले आओ कुछ तो मिलेगा ही सही, पर खाली नहीं आना काट के आना। मोटा कौन सा होता है चितवनी के बिना, ध्यान कहीं और, सेवा बोल रहे हैं ठाकुर बोल रहे हैं, हैं संध्या आरती कर रहे हैं, पर ये कहीं और गया हुआ है, हम कहीं और हैं, चल रहे काम, इसको मोटा सुन। और बारीक किसको कहते हैं, जो बोल रहे हैं वही है हम, अगर बोल रहे हैं जीरे सैया कीर्ति के वन में जावे तो हम सात घाट में वनों में सीढ़ियों से उतरी है और जा रही है वनों में, शाह पान में वह सब लिया सब्जियां ले, जहाँ जो चौपाई बोली उस चौपाई के साथ चलना बारीक सूर, चौपाई चलती रहे खुद कहीं और चलना मोटा सूर, बताना तो पड़ेगा ना मोटा और बारीक, कीमत किसकी ज्यादा होगी, हमें कैसा कारण है, सूत काट तू सवा से, सही री मेरी पाई रतन मोरे मिले छबीले लाल, अब मैं भई सुहागनी अब मैं भई निहाल, कहते ही उसमें चौपाई उतार दी राजी महाराज ने, क्या उतार दी, सही री मेरी पाई रतन, गादी तूने ले ली तो क्या हो गया, मुझे गादी पर भी बैठने दिया तो क्या बड़ी बात है, गादी वाला मेरे अंदर आ गया है, जो गादी पर बैठते थे वो मेरे हृदय में आ गए हैं, रूई की गादी को मैं क्या करूंगी, कोई बात नहीं आप बैठ गए तो क्या, पर वो आ गया मेरे अंदर, कहाँ आ गया, सही मेरी भाई रतन, ए मेरी रतन भाई तूने कृपा की है ये सारी की सारी, अगर तुझ
कुछ अभी नहीं देती नंदराम मोदी को है और मुझे अंदर बंद नहीं कराती तो ये कृपा होने वाली नहीं थी। अरे बड़ी कृपा कर दी। किसने कर दी? रतन भाई ने। सही रही मेरी भाई रतन मोहे मिले सभी ये लाल, मेरा लाल मिल गया, मेरा सदगुरु मिल गया, मेरे देवचंद्र जी मिल गए। कितने प्यारे हैं देवचंद्र जी महाराज। अब मैं वही सुहागिनी, मेरे को मेरे प्रीतम ने फिर से आके सुहागिन बना दिया और अब मैं भाई निहाल, मैं तो निहाल हो गई संसार में, क्योंकि जिसको सदगुरु मिल जाए उसको इस संसार के अंदर और क्या चाहिए। जिसको सदगुरु मिल जाए फिर क्या चाहिए। सेकंड ईयर को तो सदगुरु धनी के रूप में मिल गए। मैं एक भी तो मांगी पीयू पे, पीयू ने कई मिल करी रोशन। अरे मैं तो दाल रोटी और वस्त्री बनाना चाहती थी। किसको? सुंदर साथ को। मैंने तो एक भंडारा कहा था भाई एक भंडारा करना है। अगले साल का थोड़ी कहा था, इसी साल का एक भंडारा कहा था, एक भंडारा करना है। तब राजा की नौकरी ली थी। मैं एक भी तो मांगी पीयू पे, पीयू ने कई मिल करी रोशन। मैं तो एक मांगा भंडारा, पिया ने तो मेरे अंदर ऐसी रोशनी कर दी। प्रीतम ने ऐसा भंडारा सुंदर साथ को देना चाहिए, क्योंकि श्री जी साहिब जी कहते हैं धनी मैं अगर आटा दाल चावल घी मैदा वाला भंडारा करते सुबह खिला के भेजती रात को ये घर पे बनाते, या 10 दिन मेरे यहाँ खाते तो फिर घर जाके फिर बनाते। पर आपने ऐसा भंडारा करवा दिया कि जब तक ब्रह्मांड रहेगा तब तक इस राशि का कमाया हुआ खाते रहेंगे। बोलिए जब तक ब्रह्मांड रहेगा इंद्रावती की कमाई खाएंगे सारे सुंदर साथ। कि ये किसने कमाया? श्री इंद्रावती जी ने। निज नाम किसने पर कमाया? सुंदर बाई और इंद्रावती ने। अरे क्या इंद्रावती आता दाल चावल, मैं लंगर करना चाहती थी, मेरे को करने क्यों नहीं दिया, बाद में लगा। अरे आहा आनंद आ गया, कौन मिल गए मुझको। अब मैं भई सुहागनी, अब मैं भई निहाल, मैं एक विध मांगी पीयू पे, पीयू ने कई विध करी रोशन। बातें इन रोशन की कसी जाए मदन। अरे जब वहाँ बात होगी कि कौन कौन जागृत करके आया सुंदर साथ को, किसने सुंदर साथ के लिए क्या क्या किया, चाहे राजी इंद्रावती बने हैं पर एक बार नाम लेंगे सामने बैठे होंगे अंकित उठा सकेंगे ना। राजी महाराज थे तो आप ही इंद्रावती, आप ही सुंदर भाई थे, पर जिस स्तर से जो काम लेना था उस स्तर को शोभा तो मिली। शोभा किसको मिली है? शोभा श्री इंद्रावती जी को मिली है। तो इतनी सुंदर वाणी। अब ये जब साक्षात दर्शन, सबसे पहले श्यामा जी का दर्शन होता है, अखंड सुनोपनी अस्थिर अकारी, किसका दर्शन हुआ? श्यामा जी का। शोभा कहूं घणी वर्णी जी, जेम जेम वचन का ही ऊंचा आवे ते ना आवे वाणी मे। कहते मैं श्यामा जी महाराणी का जो स्वरूप ठहर ही नहीं रहा, पल भर के अंदर साड़ियों के नंगों के कलर बदलते जा रहे हैं, पल भर में साड़ियों का रंग बदलता जा रहा है, पल भर में श्यामा जी एकदम लाल रंग की दिखाई देती है, फिर देखते हैं तो थोड़ा लाइट लाल कलर हो गया, फिर देखते हैं तो और लाइट अनंत रंग एक पलक में बदल रही है। ऐसी जो शोभा श्यामा जी महारानी की है वो मैं कैसे वर्णन करूं है। जीव जीव वचन का ही ऊंचा आवे, इस ब्रह्मांड के अंदर सबसे ऊंचे शब्द जो मुझे मिलते हैं श्यामा जी के लिए, वो शब्द मैं ढूंढ ढूंढ के लगा रही हूँ। पढ़ना आवे वाणी माते, पर शब्दों शब्द तीस शोभा को शब्दों में वर्णन कैसे करूं। बोलिए श्री प्राणनाथ कितनी सुंदर श्यामा महारानी। मेरी एक रानी है वो श्यामा रानी है, मेरी महारानी है वो श्यामा रानी है, मिले ना उस जैसा वो धाम की रानी है, मिले ना उस जैसा वो धाम की रानी है।
सदगुरु आए फिर श्यामा जी के स्वरूप में और श्यामा जी महारानी ने दर्शन दिए। इतनी देर में किसका दर्शन हो गया? पिया जी का दर्शन हो गया। श्रीराज जी भी आ गए क्योंकि हम तातम रोज पढ़ते हैं और कहते हैं जब ए सुख आग में आवी और आयो आनंद अखंड घर को। कहते जहाँ पे आनंद आने लग जाए अखंड परम धाम का, याद रखना बेबी जी के मंदिर में, बड़े मंदिर में, ज्वालागर मंदिर में, जहाँ आनंद आने लग जाए तो कहते समझ लेना श्यामा जी आई हुई है। श्यामा जी के बिना आनंद कहीं है ही नहीं। जहाँ श्यामा जी आएंगी वहां आनंद आएगा। श्री राज जी ने तारतम में कह दिया आयो आनंद अखंड घर को, जहाँ पे अखंड परम धाम का आनंद बरसने लगे। राज जी कहते मैं तो रह नहीं सकता ना किसके बिना। वो कहते मैं कोई झूठ थोड़ी बोलता हूँ, मैं तो सारी दुनिया में बता चुका हूँ कि आशिक मेरा नाम रूह अल्लाह। यहाँ वाले तो डरते डरते कहते आई लव यू। मैं तो पूरे ब्रह्मांड में जोर शोर से कह चुका हूँ श्यामा जी को कि मैं तेरा आशिक हूँ, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। आशिक मेरा नाम रूह अल्लाह, आशिक मेरा नाम, इश्क मेरा रूहन सो, मेरा मुहब्बत में आराम। गर्ज के कह दिया, सारे ब्रह्मांड में कह दिया कि मैं रूहों से प्यार करता हूँ और रूहों के दिल में रहता हूँ। क्या रहता हूँ? दिल में रहता। लोग करते करते बोलते हैं तुम दिल की धड़कन में रहते हो रहते। जी कहते यहाँ वाले तो डरते हैं, मैं तो सीधा कह दिया मेरा उम्मत में, मैं तुम्हारी दिल की धड़कनों में रहता हूँ, मुझे ढूंढना तो कहाँ ढूंढ लेना, है ना। ऐसे ही राजी महाराज कह रहे कि जहाँ पे श्यामा जी महारानी आ जाएंगी तो श्री अक्षरातीत भरतार, अक्षरातीत से भरतार भी चले आते हैं, वो भी नहीं रह पाते। श्यामा जी आए, पिया चले आए, क्या कमाल हो गई। राजी महाराज कहते हैं पहले मेरी श्यामा जी जाती है, वो आनंदकारी माहौल तैयार करती है। जब देखती है मैं देखता हूँ कि अब तो बहुत आनंद आ रहा है बेबी जी मंदिर में, तो राजी कहते हैं मैं एक पल में झटक के बीच में आ जाता हूँ तो सुंदर साहब की खुशियां समाती नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी श्यामा जी महारानी जहाँ जाएंगी वहां क्या जाएगा? आनंद ही आनंद, क्योंकि श्यामा जी महारानी आनंद अंग है। श्री जी साहिब जी को आनंद आ गया हौसले के अंदर, सब दुख दूर हो गए क्योंकि कौन प्रकट हो गई? आनंद के स्वरूप श्यामा जी महारानी वहां प्रकट हो गई और श्यामा जी के बाद सारे सुंदर साथ का दर्शन हुआ। इसलिए रास ग्रंथ के अंदर पहले श्यामा जी का श्रृंगार, फिर राज जी का श्रृंगार और फिर सब साथ के श्रृंगार का वर्णन किया। तो कहते हैं तब साथ का श्रृंगार किया चाहिए इत ताको वर्णन करते हैं दिल खुला उस वक्त। फिर सुंदर साथ का श्रृंगार का वर्णन करते हुए एक श्यामा जी ने वर्णु बीजा साथ एनी पेरे जान। श्री जी ने कहा मैं एक श्यामा जी के श्रृंगार का वर्णन कर दिया और बाकी समस्त सुंदर साथ का श्रृंगार ऐसा ही समझ लेना। कछु दास की रामते हैं कछु साथ की भी करो रोशन, यही सेवा साथ की सुन सुख पावे संयन। कहते कुछ रास की रामते पुत्री और कछु साथ की भी करो रोशन। सुंदर साथ का श्रृंगार का भी वर्णन हो गया और कहते हैं ये सुन के किसको सुख मिलेगा? सुंदर साथ को। ये वाणी सुन के किसको सुख मिलेगा? कहते दुख मोसो जाता रहा आया अंग में कुमंद, रामन भाई सब रास की सुख पाया जो थे संग। संग कौन थे? सामलिया जी, उनका नाम भी आ गया। सामलिया बड़े भाई को इस आया ईमान, चर्चा सुनी इस समय कछु वही पहचान। रोज लड़ते थे हमसे 13 महीने लड़ते थे। एक तो सिर जी को अपना दुख कि मेरे धनी नहीं मिल रहे हैं और ऊपर से सामलिया भाई कोई दिन खाली नहीं गया जिस दिन हमसे में ना लड़े हो। क्यों? ये सब तेरे कारण हमें एक साल बंद होना पड़ा है।
क्या जरूरत थी तेरे को सुंदर साहब के मेले करने, मेला करना चाहता था, फिर क्यों नहीं बोल के बताया दीवार को कि मेरी मेहनत और कमाई का फैसला। सिर जी कुछ नहीं बोलते थे और रोते थे और रोते थे, इतना रोए कि विरनी विरहा बीच में कियो सो अपनो घर, चौथे तबक की साईवी सो मैं मारू तेरे विरहा पर, विरहा सागर हो गया बीच नीन विरहनी नार, दौड़त हो निश्वासर कहूं बैठ ना पाइए पार, विरहा सागर हो गया बीच नीन विरहनी नार। श्री जी ने कहा है सुंदर साहब पूछते हैं कितना रोने से धनी मिलेंगे। श्री इंद्रावती कहती मुझसे पूछना चाहते हो कितना रोने से, मेरे हृदय में तो विरहा का एक सागर लहरा रहा था रो रो के, और मैं मछली बन के अंदर तड़प रही थी उस सागर, विरहा सागर हो गया बीच मीन, मीन में सोचा मछली, विरहा सागर के अंदर मैं तो मछली बन के तैर रही थी अपने हृदय के अंदर, विरहा सागर हो गया बीच मीन विरहनी नार, दौड़त हो निश्वास कर रात दिन उस विरहा के अंदर चक्कर काटती रही, कहूं बैठ ना पाइए पार, कोई किनारा नहीं मिलता था कि मेरा रोना कब बंद होगा, मुझे यहाँ से रिहाई कौन देगा। आज एक दिन कोई अंदर जाता है ना तो बड़े बड़े मंत्रियों को घंटियां बजा दी जाती हैं, एक घंटा भी अपने आदमी को कोई अंदर रहने नहीं देता, एक रात कोई रहने नहीं देता। और यहाँ जाके देखिए आप जामनगर में हंसते का दर्शन कीजिए, दर्शन करके ही जो धाम की रू होगी ना वो तो वहां बैठ के रोने बैठ जाएगी कि यहां रहे मेरे श्री जी। एक वर्ष 13 महीने तक, 13 महीने कैसे काटे होंगे इस तरह जेल के अंदर कोई जाता है ना, 13 महीने 13 दिन मुश्किल हो जाते हैं, और 13 महीने कितना लंबा समय था। और रो रो के हार के हार गया, तो कहते अब वो दुख चढ़ा गया, अब सावरिये को भी विश्वास हो गया किसके ऊपर, अब हो गया क्योंकि इतनी लाइटें देखी, इतना प्रकाश देखा देखा आपकी, अरे ये तो बहुत बड़ी कृपा हो रही है। अंजीर किताब इस समय उतरी कई त्रिकान, हवसे के पाशा पर ये बड़ा लिखा निशान, कहते अब हवसे के अंदर सबसे पहले तो श्यामा जी का सिरदार उतरा, फिर राजी का, फिर सुंदर साहब का, इसके बाद रास की किताब उतरती है, इसके बाद प्रकाश गुजराती, इसके बाद खटरुति, फिर कलश की दो चौपाइयां इस हवसे के अंदर उतरती है। और कहते हैं कलश भी इस समय उठा एक अंकुर, तो तब ये चढ़े दीप में हुआ सूरत में मजदूर, यहाँ तो बीज रूप में दो चौपाइया उतरी, लेकिन कलश ग्रंथ पूरण कहाँ उतरता है, सूरत श्री पांच महामंदिरपुरी धाम में, बेहद वाणी उतरी दीप बंदर की मदन में, जब तैयार गई तब जाने सिर लगा आसमान में, कहते दीप बंदर जाते हुए रास्ते में बेहद वाणी उतरती है, सुनो रे साथी बेहद वाणी, बड़े बड़े हो गए पर काहू न जानी, बेहद के साथी सुनो बोली बेहद वाणी, बड़े बड़े हो गए पर काहू न जानी। कहते सुखदेव मुनि जी जब श्री जी किश्ती में जा रहे होते हैं दीप बंदर की तरफ और ये वाणी उतर रही होती है, तो किसी वित्तकार ने वर्णन किया कि सुखदेव मुनि शुक बल के अब श्री जी के सामने आंसू बहाते हैं बैठ के, रोता है तोता। श्री जी ने कहा शुक क्यों रो रहे हो, कहते ये बेहद वाणी जिसको पाने के लिए कई और ये कई अंबिये सो भी तप किए, याद इनके कारण। सुखदेव मुनि जी कहते हैं ये वाणी हमारे नसीब में क्यों नहीं है और ये आप किसको देने वाले हो, तो कहते मुनि जी काय को करो दुख, पात्र हुदे तिने पाइया, श्री जी ने कहा पात्र हुदे तिने पाइया, मुनि जी काय को करो दुख। श्री जी ने कहा परम धाम की ब्रज सृष्टि उतर के आएगी वो इस वस्तु की पात्र होगी, मुनि जी आप दुख क्यों मना रहे हो। कहते जलधार बहते हैं शुक के, किसको देंगे कि ये वाणी उतर रही है। सुखदेव मुनि ने पंच अध्यायी करी थी, रास की लीला आगे फिर वर्णन ना हुई थी, अक्षरातीत की लीला को फिर कौन गाए,
अक्षरातीत परम धाम की लीला का गायन कौन करे। तो कहते ऐसी बेहद की वाणी परम धाम की वाणी उतरी और राष्ट्रीय राम से हुआ नेत्र में विवेक और कीर्तन में दान के राम भय अनेक। कहते राष्ट्रीय राम से कुछ मेहता में भी उतरती है और किरंतन जो वेदांत के है वो भी रास्ते में चलते चलते उतरते हैं और किताब तो रेत उतरी भी तुरंत ताको कया कलश सनद अनूप शहर बखत। कहते तोरे जिसको कलश का गया वो कलश किताब महामंगलपुरी धाम में पूर्ण होती है और सनद किताब अनूप शहर में उतरती है। गुजराती भाषा फेर के कई भाषा हिंदुस्तान ए जो वास्ते वंशिष्ट के सुख पावे कर पहचान। गुजराती भाषा में उतरी थी कलश गुजराती प्रकाश गुजराती। तो सृजे साहिब जी ने सोचा सारे सुंदर सात को तो हिंदी समझ आएगी तो इसने इसीलिए कहा सबको सुगम जान के कहूंगी हिंदुस्तान। हिंदुस्तानी भाषा के अंदर ये दोनों ग्रंथ अनूप शहर में करते हैं। केतिक वाणी धरी की रामनगर में भया मूल ताजे विस्तार भया भया पन्ना में बड़ा तूल। खुलासा ग्रंथ रामनगर से उतरना शुरू होता है और खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार ये श्री पांच पद्मावती पुरी धाम के अंदर उतरते हैं। और मानी प्रकार की हरे से मोहम्मद अले सलाम भाई तो सारी परना में नील बीच दिन इस्लाम मार्फत सागर भी श्री पांच पद्मावती पुरी धाम में उतरता है। जो प्रदक्षिणा नील धाम की सातो स्वरूप श्री राज सो सारे परिणामी ने वास्ते संयम के सुकार परम धाम की सातो परिक्रमा और अच्छी महाराज के सातो स्वरूप। सात स्वरूप कौन से हैं? सातो स्वरूप नील धाम के सातो स्वरूप श्री राज के वर्णन किया सिर ले पांच दो राज के पांच अर्श अजीम के बोध दिया नासिर स्वरूपों के। कहते आ दो राज के एक तो ब्रह्मानंद लीला और एक भजनानंद लीला दो स्वरूप हो और पांच कौन से अर्श अजीम वाले कौन से प्रातः काल के समय श्री राजी महाराज केसरी आरंग की इजार पहनते हैं सफेद रंग का जामा नीले पीले रंग का पटका आसमानी रंग की पिछौड़ी सिंदूरिया रंग की पाग ना? तो शामा जी के वही वस्त्र होते हैं। दोपहर के समय श्री राजी महाराज फिर वस्त्र चेंज कर लेते हैं फिर नीले रंग की इजार पहनते हैं और शाम को श्री राजी महाराज हरे रंग की इजार पहनते हैं। दो बार शामा जी वस्त्र बदलती है तीन बार राजी महाराज बदलते हैं तो ये पांच बार के वस्त्रों का वर्णन श्रृंगार ग्रंथ के अंदर दिया गया है और सातों परिक्रमा जो परम धाम की है उसका वर्णन दिया गया। एक खिलवत पांच सागर कैतिक पानी और सोवी मोमिनवा से बदल फरनाठौर। कहते खिलवत सागर ये सारी वाणी कहाँ उतरती है? 11 वर्ष तक सिर्जे साहिब जी श्री पांच पद्मावती पुरी धाम के अंदर रहते हैं तो वहाँ पे इस वाणी का अवतरण होता है। श्री मामत कह मोमिनो ए हादी एनजी इमाम ताकी भी तक और कहूँ जो नूर दीन इस्लाम। बोलिए श्री प्राणनाथ महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज परमात्मे के सुंदर साजी सिरजी के अंदर ही हादी बैठे हैं। हादी कौन? श्यामा जी महारानी ईसा रू अल्लाह। कहते हैं ईसा अंजीर का मीठा फल खाया करते थे। ईसा कहाँ आ गए? उसको अंजीर वाली क्यों कहा रास को? अंजीर का फल ईसा बहुत जो पहले ईसा हुए वो अंजीर का फल खाया करते थे तो अंजीर नाम दिया गया रास ग्रंथ को। और पहले ईसा हो चुके हैं लोग उन ईसा को मान रहे थे लेकिन सिद्धि साहेब जी ने कहा ईसा रूहल्ला कौन से? रूहल्ला चौथे आसमान में। कहते कहाँ से आएंगी रूहल्ला? वो तो चौथे आसमान अर्श अजीम से आएंगी चौथे आसमान लाहूद में रूहल्ला बसत पहले बताई फुरकान ने सो मोमिन रेत जानत। चौथे आसमान परमधाम के अंदर श्यामा जी महारानी ईसा रूहल्ला बन के आएगी। अल्लाह की रूह कौन?
श्री राज जी का दिल है श्यामा जी महारानी, वो भी अब अंदर आ गई। किनके अंदर आ गई? श्री जी साहेब जी के अंदर आ गई। और असरा बिल की जो बुद्धि है वो भी अंदर आ गई श्री जी साहेब जी के, इन सकते हमारी सुधरे, क्योंकि अक्षर कहाँ बैठे हैं? अक्षर बैठे हैं श्री जी साहेब जी के अंदर। और इमाम कौन? स्वयं श्री कृष्ण, स्वयं अक्षरातीत धनी बन के श्री इंद्रावती के अंदर आ गए हैं। तो कहते हैं तीनों ही कहाँ बैठे हैं? श्री जी साहेब जी के अंदर आगे बैठे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ। अब फिर कहूँ हमसे की जागो प्रमोदपुरी नाम, ता 12 महीना मित्र पई संबल 17 15 तमाम। कहते अब फिर हमसे की एक और बात बताते हैं कि सृजन साहिब जी हमसे के अंदर 1714 में गए और 1715 तक वहाँ रहते हैं। और कुतुब खान जो था, कहते कुतुब खान सब सुना करके वजीर आया नवा नगर, तब अंदर गया मैं, क्यों ऐसा जुलम किया श्री में राज पर। वो चला गया था कुतुब खान टैक्स भरने के लिए, अब वापस आया। जैसे ही आया तो रानियों ने आते का घोड़े से बाद में उतरना, पहले आप श्री महाराज जी को रिहाई दो, क्योंकि श्री महाराज को आपने साधारण समझ लिया है, श्री महाराज साधारण नहीं है। एक वर्ष से हम देख रहे हैं, एक वर्ष से उस हौसले के अंदर कितना प्रकाश, कभी रास की रामती होती है, कभी ब्रज की लीला होती है, कभी रास की होती है, कभी अंदर प्रकाश छा जाता है। और अब तो वाणी का अवतरण हो रहा है, रानियों ने तो ये कहा मिश्री की इनते बरस रही है अंदर। बोलिए श्री प्राणनाथ। तो कहते उन्होंने क्या कहा रानियों ने, एक तो घर लूट लिया फिर बंद कर बैठा है, बस रोज होने आया क्यों ऐसा जुलम पहुंचाए। एक तो आपने उनका घर लूट लिया और दूसरा उनको बंदर में बैठा दिया, बंद करके बैठा दिया। सितार छोड़ो इनको और देव दिलासा इन, देश सिरो पाओ घरों पठाओ, ए दिलगीर हो गए जिन। कहते जल्दी से इनको रिहा करो, जिसको 5 कपड़े उस समय में राज दरबार से मिलते थे तो वो गुनेगार नहीं कहलाता था। श्री जी साहिब जी के लिए रानियों ने कहा कि इनको 5 कपड़े देके और राज दरबार में सम्मान करो, क्योंकि इन्होंने कोई गलती गुनाह नहीं किया। सती सिताब जी बुलाए के तभी किए खलास, किताबे उतरी कागज से ये धाम न रही आज। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। उसी समय वजीर को बुलाया और अंदर से सिरजी साहिब जी को हौसले से बाहर लेके आए और 5 कपड़े राज दरबार से देके और उन्हें विदा करते हैं और क्षमा मांगता है वहाँ का राजा, वहाँ का वजीर सिरजी साहिब जी से कि हमें किसी ने चुगली करी और हमने उस पे असर कर लिया, हमें माफ करो। तो सिरजी साहिब जी ने सोचा कि अब ये किताबें उतरी हैं तो मैं सीधा कहाँ जाऊँ, और हमें और आपको ये बात पता हो कि हमें बिहारी जी ने अंदर करवाया है, हम क्या करते? एक बार मेरे को बाहर आने दे, फिर तेरे को बताता हूँ, 1 साल के लिए भेजा ना मेरे को, एक बार मेरे को बाहर आने दे, मैंने बाहर नहीं आना। और श्री जी कैसे गए, कितना फर्क है ना उनमें और हमें। श्री जी कहते हैं कि ये मैं सारी किताबें लेके कहाँ जाऊँ, ये किताबें लेके सीधा गुरुपुत्र बिहारी जी के पास गए। और कहते एक किताबें लेके लगे बिहारी जी के कदम, बातें भीतर की करी पाया सुखातम। किताबें बिहारी जी के चरणों में उनकी झोली में जाके रख दी और बात करने लगे, बड़े खुश हुए। ध्यान से सुनना, 2000 रुपए में लगे बातें करने अपनी, जो भी तक जो किताबें उतरी हुई श्री महाराज पर हक। श्री जी बताने लगे कि कैसे राजी महाराज ने कृपा करी है, कैसे ये वाणी उतर के आई है। सात सवों ने इन समय देखी मैं श्री राज, बां पकड़ाई साथ की दही हके हाथ श्री महाराज। ऐसे बैठे थे सारे सुंदर साहब, सुंदर साहब ने कहा कि देखो पहले हमें अरे सामने मीटिंग बुलाई थी देवचंद्र जी ने, और हमारे सबके हाथ किसके हाथ में दिए थे, महाराज जी के। और देख लो सारी कृपा किस पे उतरी है, श्री महाराज जी पे। एक बिहारी जी चमके हैं सुखटरुते के सुकन, एक पैकिक मुझ पे नहीं खास गिरो सही अन्न। कहती है तो खटरुते में इतना रो रही है, इतना रोएगी तो राज्य तो नहीं देगी ना मुझसे।
इन तो सुपनों में क्या मैं ले नहीं अपना, तो एक बाकी क्या रहा भैया सुपनों से पहचान। कहते ने सीधा सीधा कह दिया कि अब ले धनी अपना तो तू गई हो सुहागिन नार। अब देखना मैं धनी को ले लेती हूँ, तो कहते कह ही दिया धनी को ले ही लिया। तो कहते क्या कहते बिहारी जी करने ना दे जा रहे एक बारी सार मैंने दिल में जा कैसा कया क्यों बेटा मेरा किया अपने। कहते दिल में सोच दे तू सोच रहे इस वाणी की मैं चर्चा करूं और सुंदर साहब को सुनाऊं तो मैं एक चौपाई भी सुंदर साहब को नहीं सुनाने दूंगा। और बाहर से कहते इधर रोने की क्या जरूरत थी, मैं अंकलपुरी धाम में तो बैठा था मैं कहीं चला गया था, क्योंकि वो सोचते हैं बिहारी जी कि मैं तो देवचंद्र मेरे अंदर ही तो बैठे हैं सदगुरु देवचंद्र जी महाराज। तो बिहारी जी कहते इतना रोने की क्या जरूरत थी, मैं तो बैठा था इस शहर में तेरे आगे नजर तेरा बीरा मुझ पर पड़ा ये सुकर का देव उत्तर। ये जितना रोया तारा पाप तो मेरे को लगेगा ना, मैं शहर में बैठा था रोने की क्या जरूरत थी, तू कोई बात चल गया था क्या हो गया तेरा महीने अंदर का। तू बिहारी जी को लिए छोटी सी बात अब बानी रहने जो एक चर्चा सुने साथ अपना जो मार्ग है सोई ग्रो हाथ। क्या कह रहे दो वाणी अब इस वाणी की चर्चा यहाँ पे नहीं करनी, इस वाणी की चर्चा गुरु पुत्र बिहारी जी ने नौतनपुरी धाम में नहीं करने दी। और ये वाणी कब 1728 में 29 में 1729 में कहाँ शुरू होती है श्री पांच महामंगलपुरी धाम के अंदर। आज भी बीतक से 15 दिन पहले रास प्रकाश खंडोत्ति और कलश का गायन 15 दिन पहले शुरू हो जाता है, क्योंकि श्री जी वहां जाके वाणी का प्रचार प्रसार करेंगे। और इतने समय तक वाणी को देखने भी नहीं दिया, वाणी कब उतरी है 15 में, और 15 में उतरी तो कितने वर्ष हो गए 14 वर्ष तक ये वाणी ढकी रही चर्चा नहीं करने गई। तो कहते हैं वाणी वाहन पसरी वे सरत उस दिन इंतजार थे मोमिन पर सुन न सके एक सुकन। वहाँ वाणी का प्रचार प्रसार नहीं हुआ, सुंदर साथ इंतजार करते रहे कि क्या वाणी उतरी है वो हमें सुनाओ तो सही। यहाँ के पार्क में सलोत्रे के साल वास्ते काम सामने आए जूनागढ़ के हाल। बोलो श्री प्राणनाथ संबल 1716 में अब उस राजा ने एक गांव दिया है कि जाओ आप महाराज एक गांव भी अपना बसाओ। तो ये गांव कैसे बसाते हैं इसकी चर्चा हम कल के रोज करेंगे। अभी सभी सुंदर साहब चौपाई दोहराएंगे। सिर्फी सर जी जूनागढ़ में पहुंचे, जूनागढ़ में क्या लीला होती है वो कल के रोज सुनेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की सभी मिलकर चौपाई दोहराए। आए जूनागढ़ के हाल, आए जूनागढ़ के हाल, यहाँ से फारग भये सलोत्रे के साल, वास्ते गांव सामने आए जूनागढ़ के हाल।